हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हीट सिंक किट से केबल जॉइंट कैसे किया जाता है। जो हम लोग केबल जॉइंट करने वाले हैं वो 3.5 कोर इंटू 240 स्क्वायर एमएम का केबल है। वीडियो में मैं सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जॉइंटिंग किट में बहुत सी चीजें होती है, पीईटी टेप, अर्थिंग वायर, जीआई वायर मेश, पॉलिस्टिक मास्टिक कोटेड टेप, 240 का फेरूल एंड क्लिप, कोर सेपरेटर, 120 स्क्वायर एमएम का फेरूल, पीवीसी टेप एंड रैप अराउंड स्लीव विथ चैनल सेट। तो दोस्तों ये तो रही किट, अब हम देख लेते हैं कि केबल को कैसे जॉइंट करेंगे इस किट की सहायता से। दोस्तों पहले केबल का मेजरमेंट लिया जाता है। मेजरमेंट लेने के बाद केबल के आउटर शीथ को कट किया जाता है। आउटर शीट निकाल देने के बाद आर्मर को कट किया जाता है और एक एक करके आर्मर को निकाल देते हैं। आर्मर निकाल देने के बाद 1 से 1.5 इंच बाद आउटर शीट को कट करके निकाला जाता है। आर्मर को बैक साइड मोड़ देते हैं अर्थिंग के लिए। आर्मर को बैक साइड मोड़ने का रीजन होता है कि कभी हम केबल को हिलाए डुलाए तो जो हमारा आर्मर है वो फेज वायर के अंदर घुस नहीं जाना चाहिए। आर्मर जहां से मोड़ा जाता है उसके जस्ट पहले टेप मारा जाता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों मारा जाता है। फिर दोस्तों केबल का मेजरमेंट किया जाता है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देते हैं। फिर दूसरे केबल को भी मेजर किया जाता है। मेजरमेंट बहुत ही अच्छे से किया जाता है और एक दो बार क्रॉस वेरीफाई करके ही केबल को कट किया जाता है, क्योंकि एक बार केबल कट हो गई और छोटी पड़ गई तो हमें नया केबल ही डालना पड़ेगा वहां पे। दोस्तों सेम पहले जैसा ही दूसरे केबल के भी आउटर शीथ को कट करेंगे और इसके भी आर्मर को कट करके और 1 से 1.5 इंच आर्मर को बैक साइड मोड़ देंगे। फिर केबल के फेज एंड न्यूट्रल को अलग अलग करके फेरूल को लगाने के लिए एंड साइड के इंसुलेशन को कट करेंगे। सारे वायर में फेरूल लगा करके वायर को फ्री करेंगे। फेरूल से मेजरमेंट किया जाता है कि कितने वायर के इंसुलेशन को कट करना है एंड साइड से। दोस्तों केबल के फेज एंड न्यूट्रल वायर ट्रायंगल शेप के होते हैं, सर्कल नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। केबल के वायर सर्कल ना होने की वजह से वायर को थोड़ा पीट करके सर्कुलर शेप का बनाया जाता है, जिससे कि वायर में फेरूल जा सके। सेम इसी प्रकार न्यूट्रल का भी किया जाता है। दोस्तों अब दूसरे साइड के भी केबल के
फेज न्यूट्रल वायर को अलग करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्मर को मोड़ देने के बाद हम लोग पीवीसी टेप लगाते हैं, वो इसलिए लगाया जाता है कि जो केबल का इनर शीट है उसको खाली पीवीसी टेप तक ही कट करना है, उससे ज्यादा नहीं कट करेंगे हम। जैसा हमने पहले फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर को एंड साइड से कट किया था, सेम इसमें भी करेंगे। दोस्तों अब हम लोग फेरुल को क्रिम्पिंग टूल की सहायता से फेरुल को प्रेस करेंगे, जिससे कि केबल के फेज में फेरुल फिक्स हो जाए। दोस्तों ये जो रेड वाला टूल है इसको क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं, इसका यूज करके फेरुल को दबाया जाता है। क्रिम्पिंग करने के लिए केबल के साइज का क्रिम्पिंग प्रेस अंदर डाला जाता है, उससे हम लोग प्रेस करके फेरुल को प्रेस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फेरुल दब चुका है, इसी प्रकार सभी फेज एंड न्यूट्रल के फेरुल को क्रिम्प कर देंगे। क्रिम्पिंग हो जाने के बाद पॉलिस्टिक मास्टिक कोटेड टेप लगाया जाता है फेरुल के ऊपर। टेप को थोड़ा बाहर से लगाया जाता है जिससे कि वाटर टाइट हो जाए इंसुलेशन। सेम इसी प्रकार रेड फेस पे भी लगाएंगे।
पॉलिस्टिक टेप लगा देने के बाद कोर सेपरेटर लगाया जाता है। कोर सेपरेटर लगा देने के बाद एक और बार इंसुलेशन लगाया जाता है। फिर दोस्तों पीटी टेप को पूरे वर्क एरिया पे लपेट देंगे। फिर दोस्तों अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे अर्थ ब्रेड से। दोस्तों इसको अर्थ ब्रेड बोलते हैं। अर्थ ब्रेड को अच्छे से कनेक्ट करेंगे दोनों साइड में। अर्थ ब्रेड के बाद वायर मेश को लपेटेंगे पूरे केबल जॉइंट के ऊपर। ये दोस्तों केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वायर मेश पूरा लपेट देने के बाद एंड क्लिप को कनेक्ट करेंगे और टाइट करेंगे।
फिर दोस्तों आउटर शीट को सैंड पेपर से घसेंगे दोनों साइड में। एंड क्लिप के ऊपर टेप लगा देंगे। ये जो टेप है वो किट के अंदर ही आता है, वही वाला टेप यहाँ पे लगाएंगे। फिर दोस्तों दोनों जॉइंट के एंड साइड में सीलेंट टेप लगा देंगे, जिससे कि ये जॉइंट वाटरप्रूफ हो जाए। दोस्तों अभी हम लोग जो केबल जॉइंट कर रहे हैं इसमें कौन सा किट यूज कर रहे हैं, हीट श्रिंक किट। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कंपाउंड जॉइंट किट का यूज करके केबल को कैसे जॉइंट किया जाता है। आप लोगों को अगर अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर दोस्तों स्लीव को लगाया जाता है। दोस्तों इस तरीके से चैनल का यूज करके स्लीव को फंसाया जाता है। दोस्तों हीट गन एंड गैस कैन की सहायता से स्लीव को हीट किया जाता है। स्लीव हीट होने के बाद सिकुड़ जाता है और केबल को पकड़ लेता है। पूरी तरीके से स्लीव सुखड़ जाने के बाद इसको हाफ एन आवर तक के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये कड़क हो जाए। सूख जाने के बाद दोनों साइड में दोस्तों टेप लगा दिया जाता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों केबल जॉइंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग केबल को ज्वाइंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।